अक्सर परिवार में किसी विवाद के कारण इतना मतभेद हो जाता है कि फिर न्यायालय में जाकर ही सुलझता है। कुछ ऐसा ही मामला रहली विधानसभा से भी सामने आया, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति का पिछले 4 वर्षों से भरण पोषण का मामला न्यायालय में चल रहा था, लेकिन अब दोनों ने अपनी आपसी सहमति से एक साथ रहने का फैसला लिया है, जिससे उनके परिचित काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दरअसल रहली विधानसभा क्षेत्र से एक बुजुर्ग दंपत्ति परिवार का मामला सामने आया, जहां दोनों पिछले 4 सालों से न्यायालय में भरण पोषण के मामले में केस लड़ रहे थे, लेकिन अब दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया, जिसको लेकर रहली न्यायालय में व्यवहार न्यायाधीश सतीश शर्मा ने 2019 से अलग रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति के लिए नए सिरे से जीवन शुरू करने का अवसर प्रदान किया और शुभकामनाएं दी। ये क्या है कि भगवत और शशि भाई के बीच जो शादी हुई थी, उसके बाद इन्हें मेंटेनेंस का एक केस लगाया था, जिसमें आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें दोनों पक्षों ने, भगवत और शशि के संबंध अच्छे हो गए हैं और इन्हें अपना मामला समाप्त कर लिया है। इसके बाद अब इन लोगों का ये केस समाप्त हो गया। इसमें क्या फैसला हुआ था? इसमें ये है कि इन्हें जो भरण पोषण का मामला था, ये जो राशि मंथली दी जा रही थी, अब ये लोग अच्छे से रहने लगे हैं साथ में, इसलिए इनके संबंधों को देखते हुए ये केस आज समाप्त हो गया। वहीं इस मामले की पैरवी कर रहे वकील नरेश गुप्ता ने बताया कि 2019 में भरण पोषण का मामला कोर्ट में शशिबाई दांगी के द्वारा लगाया गया था, जो लगभग 4 वर्ष चले इस मामले में आज आपसी सुलह से बुजुर्ग दंपत्ति एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए, जिस पर व्यवहार न्यायाधीश सतीश शर्मा ने फैसला सुनाया। 125 का मामला था भरण पोषण का, इसमें शशिबाई एक वृद्ध है, 52 साल की महिला है, और उसमें पति लगभग 2019 से दोनों पृथक पृथक निवास कर रहे थे, और उसमें अदालत में भरण पोषण के लिए मामला लगाया गया था, जिसमें आज दोनों में आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है और एक साथ रहने का, जीवन निर्वाह करने का उन लोगों ने तय किया है और अदालत के मामला समाप्त कर दिया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि बुजुर्ग दंपत्ति अब काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, रहली।